हेलो जी कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आप भी बढ़िया हो और आज आपको और बढ़िया करते हैं। कैसे जी? आज मैं बना रही हूँ जी अपनी फेवरेट परौंठी, जिहड़ी मैनूं बड़ी सवाद लगती है। और जड़े होंगे ना भूखों वाले प्याज, भूखों वाले प्याज क्या हाँ। बोलते हैं उसको, ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन, ग्रीन अनियन, ये देखो क्या बात। ठीक है, इन्हें मैं बारीक बारीक कट लिया, चंगी तरह धो के फिर नैपकिन नाल सुखा लिया, क्योंकि पहले पानी बहुत होंगे इन्हें च, फिर बारीक बारीक कट लिया। आ जाओ फिर बनाने हैं। ये ले लिया जी, इसमें डाल लिया मैंने चिल्ली फ्लेक्स, साथ में डाल लिया थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में सूखा धनिया, साथ में डाल लिया मैंने ये हरा धनिया, और इसी के साथ में मैंने ये जीरा और अजवाइन थोड़ी सी कुटी हुई ये डाल ली। और इधर है जी हमारा लहसुन अदरक और हरी मिर्च, ठीक है जी, और ये डाल लिया। और साथ में ही हमने इसमें डाल लेना है जी आमचूर, ठीक है जी, थोड़ा खट्टापन भी होना चाहिए ना। चलो जी, इसको कर लिया हमने मिक्स। अभी हमने नमक नहीं डाला, अभी डाल लेंगे जो इसमें पानी है ना, इसी से सब कुछ मिक्स हो जाना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके चलो अब हम इसमें डाल लेंगे जी स्वाद के अनुसार अपना नमक, सॉल्ट जितना आप खाते हो जी। ये हो गया, लहसुन और अदरक खूब पाना है देखे। और जे कितने थानू ग्रीन वाला लहसुन मिल जाए फिर तो बल्ले बल्ले है, वो भी इसमें मिक्स, उसको बारीक बारीक काट के इसमें डाल दो, ठीक है। साडे कोल नहीं है, साडे कोल दूजा लहसुन है, असीं ओह कुट के पाता। चलो इनू हुण करदे आ जी, आपां साइड ते रखदे आ इत्थे, और हुण आपां बणाने आ जी अपनी परौंठी, ठीक है। ये लिया जी मैंने एक बड़ा सा कुछ पेड़े मार मार के पेड़ा बना लिया, ठीक है। ये ले लिया, अब इसका एक बड़ा सा फुलका बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, ये बड़ा सा फुलका बना लिया, इस पे अब हमने लगा देना है जी घी। घी आप अपने हिसाब से लगाओ, रिफाइंड में भी बना सकते हो, वो भी बड़ा क्रिस्पी बनता है। देसी घी, रिफाइंड, जिसमें भी आप बनाते हो बनाओ, आधे पे लगा लो, पूरे पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसको फोल्ड ही करना है। ये लगा लिया जी, किनारों किनारों तक लगाना है घी पूरा। हाँ जी, अब इस पे हमने थोड़ा सा ये सूखा आटा लगा देना है, और अब हमने ये लेना है जी, इसको हमने इसमें डाल देना है, किनारे तक लेके जाना है इसको, ठीक है। आधे में ही डालना है, पूरे में नहीं डालना, आधे में डालना है। बहुत करारा बनता है, बहुत ही करारा। सर्दियों विच तां ना मैं इह इन्नियां परौंठियां खाधियां है ये बनती बड़ी स्वाद है, ग्रीन अनियन पक के ना और मीठा मिठास सी आ जाती है इसमें। ये लो, ये ऐसे हो गया ना, एंड तक ले जाना है इसको, किनारों तक। अब इसको हमने ऐसे कर देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा घी यहाँ भी लगा देना है, क्यों नहीं भाई, घी लगाना है तो दिल खोल के लगाना है, ठीक है जी। घी लगा दिया, थोड़ा सा ये आटे वाला हाथ लगा दिया, अब ये लगा दिया इधर, यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखना, यहाँ पे कम ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये फोल्ड करना है तो फिर अच्छी तरह फोल्ड नहीं होएगा। ये कर लिया, अब इसको ऐसे कर देना है फोल्ड, ये देखो हो गया, इसको भी ऐसे, क्योंकि ये तो सॉफ्ट है, इसको जैसे मर्जी फोल्ड कर लो। ये आपको याद है मैंने वलों वाली रोटी बनाई थी, बहुत टाइम हो गया। ये एक तरह की वलों वाली परौंठी है, अगर दाल के साथ खानी है तो इसमें कुछ भी स्टफ ना करो, ऐसे फोल्ड करके बना लो, लेकिन ये स्टफ्ड है इसलिए इसको हम ऐसे करेंगे। ये देखो अब ये हो गया, अब इसको इधर घुमाया और इसको हमने इधर लाते हुए इसको इसके ऊपर रख देना है, हो गया जी, जी। ये देखो बहुत बढ़िया। अब बस अब क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ लगाएंगे हम
सूखा आटा, सूखा आटा सूखा आटा, और इसको हमने थोड़ा हाथों से फैला लेना है और थोड़ा सा हमने अपने इस हथियार से कर लेना है बेलने से। ये ना बड़ी ही बनाओ परौंठियाँ, ये वालियाँ परौंठियाँ जड़ियाँ ना वो छोटियाँ नहीं चंगियाँ लगदियाँ क्योंकि मटीरियल नहीं भरिया जाना चंगी तरह। फिर फायदा क्या, फिर फायदा की, फिर मजा भी नहीं आना। इधर साडा तवा हो रहा है जी गरम, गरम हो रहा है, मेरी बाजू सड़ा दी इसने पूरा टाइम में कवर। लो जी ये हो गया जी, अब हमने इस पे डाल दिया। ठीक है जी, बस हुण इनू आपां जिस तरह नॉर्मल परौंठी बनाई दी है अच्छी तरह रिफाइंड देसी घ्यो जो भी लगाना है जिन्ना भी लगाना है उस तरह लगा के इनू आपां बना लेंगे। ठीक है, ठीक है ना जी। चलो इन्हां नू अलट पलट के उलट पलट के बनाने आ ते फिर तुहानू दिखाने आ। ठीक है जी, ये लो जी यहाँ बन रहा दूसरा या मेरी ड्यूटी लगी है। मैंने कहा तू पलट दे क्योंकि मेरे हाथ इधर है, दो ही बनाने हैं बस, ज्यादा नहीं हमने बनाने क्योंकि मैंने खाने हैं दोनों। कितनी अच्छी सिक रही है ये देखो, परफेक्ट एकदम, इधर चाय उबल रही है, इधर ये बन रहा है, इधर वो बन रहा है, पकाते हैं जी ने फिर आते हैं जी। ये लो जी अब हमने इसको ऐसे बना लेना है, घी लगाना है, कट लगाने हैं, इसको मत भूला करो कट तो लगाने लगाने कट लगाने हैं, और इसको अब हमने पलट लेना है। इसकी एक बात है, ये देखो इस तरफ भी है सारा मटेरियल और उस तरफ भी है, ऐसे हमने इसको पका लेना है नू, बस पलट पलट के। इधर चाह भी उबल उबल के बेचारी चली हो गई है, इसमें डालते हैं जी हम दूध। क्या ही बात है जी, ये लो जी ये बन गई, और दूसरी हमने कर ली है जी तैयार, इसको हमने डाल दिया। और हुण देखो जी बहुत ही क्रिस्पी बनती है, ये देखो ये देखो क्या बात है, ये सारी लेयर्स क्या खुली हैं, सारियां लेयर्स इनियां खुल जांदियां हैं। और आप बोलोगे आंटी आप हर बार कह देते हो सच में बना के देखना, मैं ना वो चीज बताती हूँ जो मैंने पता नहीं कितनी बार बनाई है, सब ट्राई करा हुआ पहले, मतलब इतनी बार बनाया है खाया है खिलाया, इसलिए बोलती हूँ और गारंटी है कि बढ़िया चीज, हाँ क्योंकि मुझे कोई शंका नहीं है कि ये अच्छी नहीं बनेगी, क्यों जो नॉर्मली अपना टेस्ट होता है उसके हिसाब से ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ठीक है, तो हम बस दूसरी बना के आ देखो, ये दिखाओ सारियां लेयर, ये तो ऊपरों बिल्कुल ही हाँ, दूसरी बना के फिर तुहानू मिलदे आ। ठीक है जी, दूसरी भी होगी जी, इसको भी हमने कर देना है जी अपना चूर चूर, ये देखो क्या बात है। ठीक है जी, ये हमारी बन गई दो खस्ता परौंठी क्या बोलते हैं इसको, करारी खस्ता परौंठी, क्या बात है जी। और इस पे हमारा पिछले साल वाला अचार, बढ़िया से अचार मैंगो पिकल, क्या बात है, लो जी क्या बात है, साथ में गर्मा गर्म चाय, बहुत ही बढ़िया, करें जी टेस्ट, करो जी कराओ जी, आ तो मुझे भी बड़ी भूख लगी हुई है, कराओ कराओ जी। ये ना ये देख कैसे हैं, ये सब लेयर्स सारी लेयर्स खुल गई, खुल गई हैं, साथ में ये अचार, ओहो हो हो, इन्हें तो फूक मारन की भी जरूरत नहीं, आज ठंडी हो गई। आया वो वाला पुराना स्वाद, बहुत ही बढ़िया, ओहो बोल कुछ अचार ने तो ऊपर से और मजे करा दिए, ये प्याज है ना हल्के से मीठे हो जाते हैं पकने के बाद,
बहुत ही स्वाद, बहुत ही ज्यादा स्वाद, बहुत ही मजेदार। 10 में से 100 नंबर। चलो 10 में से 100 नंबर पुत्र जी ने देते। लो जी हुण मैं खानी आ। लसन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया, प्याज तो है ही है, हर चीज का एक मिक्स होके बहुत बढ़िया फ्लेवर बन रहा है। एक टेक्सचर अभी भी आ रहा है हरे प्याज का, मजा वही आ रहा है खाने में वही आ रहा है, वही भूखा वाले प्याज वाला जेड़ा एक टेस्ट होता ना। सच्ची बहुत स्वाद बनी है, सच में बहुत स्वाद बनी है। तुसी ये ना प्याजां दी जगह कोई भी ग्रीन चीज पा सकते हो, तुसी मेथी भी पा सकते हो। एक मैं मेथी और प्याज वाली बनाती हूँ, वो भी अब गए ना मार्केट जिस दिन भी मेथी लेके आई, तो मैं मेथी और प्याज वाली वो थोड़ा सा कुक करके बनाती हूँ दोनों को, वो भी लाजवाब बनती है। हाँ जी चलो जी, अगर आप ऐसे बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते तो मेरे कहने से, क्यों केविन पक्का ना, पक्का पक्का, हाँ हमारे कहने से एक बार ये वाली परौंठी जरूर बनाना, बिल्कुल 100 गारंटी कह रहा हूँ। स्टाइल से बनाना, चौरस तिकोनी नहीं, हाँ, ऐसे बनाना, हाँ, चौरस तिकोनी तो हम बनाते हैं लेकिन ये फोल्ड ऐसे करके बनाना। इसका मजा ही सारा ये है कि इसकी जो शेप है उसकी वजह से क्रिस्प ज्यादा होती है, क्रिस्प ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, कि अपने मुताबिक कट वध लगा लियो, नमक मिर्च अपने मुताबिक कर लियो, लेकिन बनाना जरूर और खा के मुझे कमेंट्स में बताना कि आंटी साड़ी परौंठी सच्ची बहुत स्वाद बनी है। सच्ची तुसी याद करोगे कि आंटी परौंठी बहुत स्वाद बनी है। चलो जी हुण खाओ, मजे करो और खुश रहो, अपने दिल नु खुश रखो, तुसी खुश हो तो बाकी सारे खुश होंगे। खुश रह सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो च, खाओ पियो, वॉक करो, जिम जाओ, खाओ पियो, मजा करो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो च, तब तक इतने सारे प्यार के साथ कमेंट्स करना ना भूलो, इतने सारे प्यार के साथ हमारी तरफ से बाय 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 बाय।